स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं इसके दो गुना के रिजल्ट का, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए आने वाला है। आप सभी का इंतज़ार काफ़ी जल्द पूरा होगा, जैसा कि अनुमान है अगले 15 दिनों के अंदर आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा भी गया है कि यहाँ पर जितने भी रिजल्ट हैं बोर्ड को यहाँ पर 7 परीक्षा परिणाम जारी करने हैं, जिसकी डेट उन्होंने 7 से लेकर 20 जून के बीच बताई है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट है वो 10 से 15 जून के बीच में जारी होगा, यानी कि आने वाले 15 दिनों में आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि बोर्ड यहाँ पर कब तक उनके मार्क्स जारी करेगा, यानी कि उन्होंने कितने नंबर पेपर में प्राप्त किए हैं वो कब तक जारी होंगे। तो उसमें जो है 2 से 3 दिन का समय लगता है। यहाँ पर आपका रिजल्ट आने के बाद 2 से 3 दिन के भीतर आपके यहाँ पर मार्क्स जारी कर दिए जाते हैं, और ये जो 2 से 3 दिन होते हैं ये काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल होते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पता होता है कि कट ऑफ कितनी गई है, साथ में उनका रोल नंबर जो है 2 गुना की लिस्ट में भी आ गया है, लेकिन जब तक उनके मार्क्स जारी नहीं होंगे तब तक उन्हें ये अनुमान नहीं लग पाएगा कि उनका सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल भरा रहता है। क्योंकि जब तक नंबर नहीं पता रहते हैं तब तक ये कहना मुश्किल है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही एक और प्रश्न रहता है कि अभ्यर्थियों के नंबर अभी भी कितने बढ़िया घट सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने ऑफिशियल आंसर की से अपने मार्क्स मिलाए थे, लेकिन यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट में 2 पेपर हुए हैं और पेपर 2 में काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं। एक अनुमान है 10 से 12 क्वेश्चन डिलीट होने के, तो 10 से 12 क्वेश्चन काफ़ी वेटेज रखते हैं, क्योंकि 1 क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 10 से 12 यानी कि लगभग 30-36 यहाँ पे नंबर का अंतर हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, ये सब डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पर कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, आपके उसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो उस आधार पे अगर हम एक एवरेज बात करें तो हर अभ्यर्थी के नंबर में लगभग 10 से 15 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। मान लीजिए एक अभ्यर्थी है, उसके नंबर 500 नंबर अभी बन रहे हैं, यानी कि आज की डेट में उसके 500 नंबर है, तो जब उसके मार्क्स जारी होंगे तो इसमें लगभग 10 से 15 नंबर का अंतर उसको देखने को मिलेगा, यानी उसके जो नंबर है वो 485 से लेकर 515 के बीच में रह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्यूरेसी किस प्रकार की है, और साथ ही जो क्वेश्चन डिलीट हो रहा है वो उसने किया था या नहीं किया था, अगर किया था तो क्या वो सही था या फिर गलत था। तो इस आधार पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर नंबर मिलते हैं। तो अभी तक किसी भी अभ्यर्थी को अपना पूरा अनुमान नहीं है कि उसके नंबर कितने बन रहे हैं, यानी कि एक छोटा सा ये है कि उसके नंबर 480 है, लेकिन कितने उसके फाइनल नंबर बनेंगे ये अभी किसी को अनुमान नहीं है। तो यही पर जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका रोल नंबर 2 गुना में आ जाता है, जो कट ऑफ को पार कर जाते हैं 2 गुना की, लेकिन उनके मार्क्स उनको पता नहीं है। तो वो यहाँ पर ये नहीं सोच सकते हैं कि क्या उनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक अगर छोटा सा उदाहरण दूँ तो मैंने खुद ने पटवार 2021 का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा राजस्थान का पहला एग्ज़ाम था। उसमें भी ऐसा ही हुआ था, जब 2 गुना की कट ऑफ आई तो उसमें जनरल की कट ऑफ लगभग 218 नंबर गई थी, उसमें 2 गुना में मेरा भी रोल नंबर था, लेकिन जब मेरे मार्क्स जारी हुए उससे पहले, यानी कि रिजल्ट आने और मार्क्स जारी होने के बीच में, मेरा अनुमान था कि मेरे लगभग 227 नंबर है। इस आधार पर मैं ये कह सकता था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जब मेरे मार्क्स जारी हुए तो मेरे मार्क्स 223 नंबर ही निकले, और जो जनरल की फाइनल कट ऑफ गई वो 225 नंबर की थी, और यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 नंबर के बीच में मेरे नंबर कम रहने के कारण यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ऐसा ही कई अभ्यर्थियों के साथ देखा जाता है कि जब 2 गुना की लिस्ट आती है तो उनके जो नंबर है, यानी कि उनका रोल नंबर 2 गुना की लिस्ट में होता है, कट ऑफ को वो पार कर जाते हैं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स फाइनल कट ऑफ से कम रहने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको मार्क्स पता करने की भी यहाँ पर होगा कि मार्क्स उनके कितने आ रहे हैं, ये भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है कि यहाँ पे मार्क्स कितने दिनों में जारी होते हैं, तो आपके 2 गुना का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके लगभग 2 से 3 दिन के भीतर आपके मार्क्स जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद एक अभ्यर्थी अनुमान लगा सकता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मान लीजिए किसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 2 गुना की वो गई है 470 नंबर, मान लीजिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 470 नंबर है, उसका एक अभ्यर्थी 2 गुना की लिस्ट में शामिल हो गया है, उसको अनुमान है उसके नंबर लगभग 490 हैं, अगर नंबर बढ़ते हैं तो उसके 500 नंबर हो सकते हैं, तो उसको अनुमान है कि उसका 2 गुना में हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके 490 से बढ़कर सिर्फ 495 ही हुए, तो एक तरीके से वो यहाँ पर सिलेक्शन से बाहर हो सकता है फाइनल रिजल्ट में। तो जब तक मार्क्स जारी नहीं हो जाते हैं कई अभ्यर्थियों के लिए ये चिंता का विषय बना रहता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हमने बात की है अभ्यर्थियों के जो नंबर है उनमें लगभग 10 से 15 नंबर का अंतर अभी भी देखने को मिल सकता है। एवरेज अगर बात करें तो लगभग 10 नंबर का अंतर ज़्यादातर अभ्यर्थियों के नंबर में देखने को मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने सोच रखा है कि उसके लगभग 500 नंबर अभी बन रहे हैं आंसर की से, जो अभी आंसर की आई थी
फाइनल, यानी कि फाइनल आंसर की अब आएगी, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आई थी पहले उससे अगर उसके 500 नंबर बन रहे हैं तो इसमें भी अभी लगभग 10 नंबर का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो 490 से लेकर 510 के बीच में उसके मार्क्स यहाँ पर रह सकते हैं और परीक्षा परिणाम आपका जल्द आएगा, यानी कि आने वाले 15 दिनों में आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले सूचना सहायक, इसके बाद कृषि पर्यवेक्षक और जो GNM ANM के एग्ज़ाम हैं इनके रिजल्ट आएंगे और उसके तुरंत बाद आपका यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अनुमान है 10 से 15 जून के बीच में आपका यहाँ पर रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारे वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बताया गया है कि यहाँ पर मार्क्स जारी होना कितना ज़रूरी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।